नमस्कार दोस्तों, मैं दर्शन आप सभी का स्वागत करता हूँ शेरलॉक होम्स ऑडियो बुक सीरीज़ के आज के एपिसोड में। जैसे कि हमने जाना था कि डॉक्टर वॉटसन अपने लिए आरामदेह और कम महंगे दामों वाला कमरा ढूंढ रहे हैं, और उसी विचार के साथ जब वो बार में होते हैं तभी उनका पुराना दोस्त स्टेमफोर्ड उसे मिलता है। उसे देख के डॉक्टर वॉटसन काफ़ी खुश होते हैं और उसको अपनी तकलीफ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो एक कमरा ढूंढ रहे हैं। अब देखते हैं आगे। The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. बात है वॉटसन, आज तुम दूसरे इंसान हो जिसने मुझसे ये बात कही है। और पहला कौन था पूछने वाला? स्टेमफोर्ड हॉस्पिटल की केमिकल प्रयोगशाला में काम करने वाला एक व्यक्ति था। आज सुबह ही वो अफसोस जाहिर कर रहा था कि उसे ऐसा कोई मिल नहीं रहा जो उन अच्छे कमरों में रहने का खर्चा उससे बांट ले, और जो उसने ढूंढे थे पर उसकी जेब पर ही भारी पड़ रहे थे। अगर हकीकत में वह व्यक्ति किसी व्यक्ति की तलाश में है जो कमरे और खर्चा बांटने के लिए तैयार हो, तो मैं उसके लिए बिल्कुल सही हूँ। मैं चाहता हूँ कि अकेले रहने के बजाय मैं किसी के साथ रहूँ। युवा स्टेमफोर्ड ने वाइन का ग्लास उठाते हुए मुझे अजीब नज़र से देखा और फिर बोला, तुम अभी शेरलॉक होम्स के बारे में जानते नहीं हो। तुम शायद उसे लंबे अरसे तक अपना साथी के तौर पर रखना ना चाहो। क्यों, ऐसा क्या है उसके खिलाफ? ओह, मैंने ये नहीं कहा वॉटसन कि उसके खिलाफ कुछ है, बस वो अपने ख्यालातों में थोड़ा अजीब है। वो विज्ञान की कुछ शाखाओं में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो एक शरीफ इंसान है, शायद मेडिकल का छात्र होगा वो। नहीं, मुझे इस संबंधित कोई जानकारी नहीं है कि वो क्या करना चाहता है। मैं सोचता हूँ कि शायद वो शरीर रचना में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, और वो आला दर्जे का केमिस्ट भी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसने ढंग से कोई मेडिकल क्लास नहीं ली है। उसकी जानकारी बेहद अटपटी और अजीब है। ऐसा लगता है कि उसने बहुत सारी इधर उधर की जानकारी इकट्ठी कर ली है जो उसके प्रोफेसरों को भी हैरत में डाल सकती है। क्या तुमने उससे कभी नहीं पूछा कि वो क्या करने का सोच रहा है? नहीं, वो इस तरह का इंसान नहीं है वॉटसन कि जिसके अंदर की बात आसानी से हम निकाल सके। हालांकि जब उन पर सनक सवार होती है तो वो काफ़ी बातूनी भी बन जाता है। मैं उससे मिलना चाहूँगा स्टेमफोर्ड। अगर मुझे किसी के साथ रहना पड़ता है तो मैं किसी पढ़ाकू और शांत स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ ही रहना चाहूँगा। मैं अभी इतना तंदुरुस्त भी नहीं हुआ कि ज़्यादा शोरगुल बर्दाश्त कर सकूँ। अफगानिस्तान में मैं इतना ज़्यादा भुगत चुका हूँ कि मेरी बाकी की ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। वैसे स्टेमफोर्ड, ये बताओ कि मैं तुम्हारे दोस्त से कैसे मिल सकता हूँ? वो लैब में ही होगा वॉटसन। वो या तो कहीं हफ्तों तक लैब से कतराता है या फिर सुबह शाम बस लैब में ही रहता है। अगर तुम चाहो तो लंच के बाद हम वहाँ चल सकते हैं। बिल्कुल स्टेमफोर्ड, मैंने जवाब दिया और बातचीत का रुख दूसरी बातों पर मुड़ गया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड जहां स्टेमफोर्ड डॉक्टर वॉटसन की मदद करता है और डॉक्टर वॉटसन को शेरलॉक होम्स के व्यक्तित्व के बारे में भी बताता है। वॉटसन को काफ़ी उत्सुकता है शेरलॉक होम्स से मिलने की। तो यहां पे हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे कैसी रहती है डॉक्टर वॉटसन और शेरलॉक होम्स की पहली मुलाकात। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त दर्शन आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में शेरलॉक होम्स की रोमांचक दुनिया में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ
खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। It was just texting. People text, even I text her. I mean, woman, bad idea. Try not to. Alone is what I have, alone protects. I've always assumed that love is a dangerous disadvantage. Thank you for the final proof. The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street.